लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की मदद के लिए उन्नाव जिला प्रशासन की एक शानदार पहल देखने को मिली है। यहां सखी हेल्पलाइन के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाकर महिलाओं को उनकी नीड की जरूरी चीजें ऑन कॉल निशुल्क घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। सीओ कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में फोन आने पर यहां तैनात महिला कर्मियों द्वारा कॉल करने वाली महिलाओं के घरों तक सैनिटरी नैपकिन जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के कारण सभी लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इस दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है महिलाएं। दरअसल लॉकडाउन के कारण सभी लोग घरों में रह रहे हैं और बाजार भी बंद हैं। ऐसे में महिलाओं के सामने उनके लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इन जरूरी चीजों में सबसे अहम चीज सैनिटरी नैपकिन है, जिसके लिए अधिकतर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर महिलाएं संकोच के कारण अपने घरों में इस समस्या को नहीं बता पा रही हैं। ऐसे समय में सखी हेल्पलाइन का यह कंट्रोल रूम ऐसी ही महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद महिलाओं द्वारा कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन कर अपनी समस्या बताई जा रही है और कंट्रोल रूम में तैनात महिला कर्मियों द्वारा उन महिलाओं के घरों तक जरूरी सामग्री की निशुल्क डिलीवरी करवाई जा रही है। इस कंट्रोल रूम में आने वाले अधिकतर फोन कॉल्स में महिलाओं द्वारा सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता न होने की बात कही गई, जिसके बाद कंट्रोल रूम में संबंधित की डिटेल और पता नोट किया जाता है। फिर यहां तैनात एक महिला कर्मी संबंधित महिला के घर जाकर उन तक सैनिटरी नैपकिन को पहुंचा रही है। इस कंट्रोल रूम में प्रतिदिन 7 से 8 महिलाएं फोन कर अपनी समस्याएं साझा कर रही हैं, जिन्हें यहां तैनात महिला कर्मियों द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। यही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर इस कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया जाता है और यहां आने वाले फोन कॉल की समस्याओं के निस्तारण को क्रॉस चेक भी किया जाता है। शिकायतकर्ता के फोन पर दोबारा फोन कर उनकी शिकायत के निस्तारण की हकीकत को भी जाना जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के शुरू होने से हमारी महिलाओं को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन चीजों की खरीद के लिए बाहर नहीं जा सकती। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।